हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं फारिग बैठा हुआ था तो सोचा चलो कब्रिस्तान की चक्कर लगा ले। और फिर मैं आया कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में देखा बहुत गंदगी थी। फिर उसके बाद पहले मैं साफ़ किया, पहले फिर मिट्टी को खेड़ा, मिट्टी फिर सेट किया। सेट करने बाद मैंने फिर ये जो सामने जो पौधे इसको हटा के एक जगह सेपरेट किया। फिर उसके बाद खेलते मैं वो टाइल धोया, दीवार धोने वोने बाद सरफ पानी से धोने वोने बाद फिर उसके बाद मैंने सादा पानी डाला। सादा पानी डालने बाद सही से वॉश किया। वॉश करने बाद फिर उसके बाद मैंने सही से ब्रश मारा। जितना भी गंदगी, जितना भी जर्म्स वगैरह जमा हुआ होगा वो सब मिट्टी धुल धुल जाएगा। सही से ब्रश मारने बाद भी मैंने सही से साइड से भी साफ़ किया। साफ़ करने बाद भी उसके बाद मैंने सही तरीके से धोया। आज धोने बाद भी मैंने उस साइड से भी साफ़ सुथरा कर वर के जल्दी कर वर के फिर उसके बाद मैंने नाम की तरफ ब्रश मारना शुरू किया। ये वो करने बाद भी मैंने सही से सादा पानी से भी धोया। धोने बाद एकदम सही तरीके पहले टाइल्स के तरफ धोया, धोने बाद फिर बॉर्डर धोया, फिर मिट्टी में पानी डाला। हर चीज़ करने बाद सही तरीके से धो वो के सही तरीके धोने बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। अक्सर आप लोग खेलते गलती कर देते हैं, कोई भी आपके ख़ानदान में किसी भी चीज़ के कहीं भी गुजर गए बड़े बुजुर्ग जो भी है, महीने में एक आध बार भी आप लोग लाजमी जाया करिए कब्रिस्तान। उसके बाद ये सब करने वनने बाद बिल्कुल ज़ीरो सही तरीके अराबा बराबर में भी मैंने सही से धो वो दिया, कच्चा वच्चा सब उठा दिया, गंदगी वगैरह क्लियर साफ़ कर दिया। आप भी जाया करिए आगे पीछे सही तरीके से, दूसरे का भी ख्याल रखा करिए क्योंकि आखिरी मंजिल तो यही है। सही तरीके साफ़ वाफ करने बाद मैंने पी बराबर पत्थर नहीं था, फिर सही के वहाँ पत्थर लगाया।